हमारी पुरानी जमीन है ये। इस जमीन से कांग्रेस को हमेशा शक्ति मिली है और इस जमीन में लोगों की कुछ इच्छा थी, उसको हमने स्वीकार किया था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ को पसंद आया, लेकिन आज हम उस जमीन पर वापस लौटे हैं ये कहने के लिए कि हमारी जमीन थी, हमें इससे लगाव है, इससे प्यार है, इसने हमें जिंदा रखा है। उस जमीन को वापस आकर हम अपना पूरा नमस्कार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उस जमीन से फिर से शक्ति प्राप्त करेंगे। आई थिंक इनेविटेबली वन ऑफ द की टॉपिक्स इज गोइंग टू बी करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री एंड द एक्चुअल इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्टेनली दोज हू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग अस इन द इंडिया अलायंस मीटिंग्स वी वांट टू ब्रीफ द कमिटी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग देयर। आई थिंक दे विल बी वेरी मच फॉरवर्ड लुकिंग फोकस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कशन ऑन व्हाट लाइज अहेड। We hope that the elections are in the usual time, which is 6 to 9 months away. But it's also possible that the government might advance the elections, as we've been hearing, and we need to be prepared sooner rather than later. Congress Working Committee, नव गठित Congress Working Committee की पहली meeting हो रही है, और नव गठित Congress Committee की पहली meeting तेलंगाना के अंदर हो रही है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, और Congress Party तेलंगाना को महत्व दे रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को लोग याद वापस कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर लोग वापस कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली से बाहर निकल करके, और वो भी सबसे पहली मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जो नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसकी मीटिंग तेलंगाना में हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, आज पूरे देश में एक ही मैसेज है कि जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, कोई लूटपाट की सरकार चल रही है, कोई झूठ की सरकार चल रही है, और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और आज पूरे देश के हमारे सभी लीडर्स तेलंगाना में आ रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं, यहां बैठकर सारी विचार विमर्श होगा आगे किस चुनाव की किस तरह से रणनीति होगी। मैं हाल ही मध्य प्रदेश से आया हूं, वहां का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूं, और आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, कि इस सरकार से लोग ओप चुके हैं, इस सरकार का असली चेहरा देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, और उस बदलाव की आज जो पहली बैठक है, जहां से शुरुआत होने वाली है, वो तेलंगाना और हैदराबाद से शुरुआत होने वाली है।